नमस्ते, माई सेल्फ रितिका। आज मैं आप सभी के साथ योग दिवस की सेलिब्रेशन के लिए 7 सेटअप सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। सूर्य नमस्कार मेरी सबसे फेवरेट आसना पोजीशन है, जो मैं रेगुलर 7 सेट तो करती हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 सेट सूर्य नमस्कार प्रैक्टिस। आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस इंटरनेशनल योग दिवस में 2021 में हम सभी योग की प्रैक्टिस जरूर करें, अपने घर पर रह के सुरक्षित रहें और योगा की प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम 7 सेट ऑफ सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। आप भी इसी तरह हमारे साथ सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस कभी भी शुरू करें तो आप अपने मैट के सेंटर पॉइंट से शुरू करिएगा और ये हमेशा आपको पूर्व दिशा की तरफ होकर करनी है। खुली जगह पे आसना करने के बहुत ज्यादा बेनिफिट होते हैं, तो आप इसे खुले जगह पर ही करें। चलिए सबसे पहले हम पहले आसना की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रणाम आसना। धीरे से हम दूसरे आसन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हस्त उत्तनासना। तीसरा आसना जो है हमारा बाधहस्तासना। चौथा आसना अश्वसन चालना। पांचवी पोजीशन पर्वतासना। छठा आसना कुंभक आसना। सातवां आसना अष्टांग नमस्कार। आठवां आसना हमारा भुजंग आसना। नौवीं प्रैक्टिस अगेन पर्वतासना। अब हम अपने राइट लेग को सामने लेंगे और अपनी दसवीं प्रैक्टिस कंप्लीट कर लेंगे। ग्यारहवीं प्रैक्टिस हमारी बाधहस्तासना। बारहवीं पोजीशन हमारी हस्त उत्तनासना। कम बैक टू प्रेयर पोज। नमस्कार मुद्रा। ये सूर्य नमस्कार की पहली सेट थी। अब धीरे से हम दूसरे सेट में आ जाएं। हाथों को स्ट्रेच कर लें प्रणामासना में। पीछे की तरफ झुकते हुए हस्त उत्तनासना। आगे की तरफ झुकते हुए बाधहस्तासना। राइट लेग को सामने रखें, लेफ्ट लेग को पीछे ले लें, फिर से दोनों लेग को पीछे ले लें और पर्वतासना की पोजीशन में आ जाएं। धीरे से पूरे शरीर को एक समांतर पोजीशन में रखें, नीज को नीचे लगाते हुए एक लिंब को बॉडी के मैट के ऊपर लगाएं। सांस भरते हुए भुजंगासना में आ जाएं, सांस छोड़ते हुए पर्वतासना में लेफ्ट लेग को सामने लें, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बाधहस्तासना कर लें। फिर से हाथों को ऊपर लेकर जाएं हस्त उत्तनासना और धीरे से फिर नमस्कार मुद्रा। ये हमारी पहली सेट कंप्लीट हुई सूर्य नमस्कार की। हम लगातार 6 सेट और करेंगे, तो आप हमारे साथ प्रैक्टिस में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें। ये रोज के 10 मिनट की प्रैक्टिस होती है, आप चाहें तो रोज कर सकते हैं। इससे शरीर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है और हमारी बॉडी कई सारे आसनास को करने के लिए प्रिपेयर हो जाती है, क्योंकि ये 12 ऐसे आसनास का कॉम्बिनेशन है जो हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने के लिए, स्ट्रेंथ लाने में हेल्प करते हैं। धीरे-धीरे इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ा रही हूँ, आपको भी थोड़ी ये फ्लो में करने हैं। 2 से 4 सेट हम नॉर्मल स्पीड में करें, धीरे धीरे हम इस आसन की स्पीड को बढ़ा लें। तीसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं।
सेट हो गया। अब हम आगे तीसरे सेट की तरफ बढ़े। आप इसे मंत्र के साथ भी उच्चारण कर सकते हैं। चौथे सेट भी कंप्लीट हो गए। अब हम अपने तीनों सेट को कंप्लीट कर लें। सांस भरते हुए फिर से पोजीशन में आ जाएं, आर्म्स को स्ट्रेच कर लें, हाथों को सामने की तरफ ले आए, वन लेग को पीछे वन लेग को आगे लेते हुए आपस को संचालना में आ जाएं। पर्वतासन और एलिमेंट बॉडी कुंभकासन अष्टांग नमस्कार सब बॉडी भुजंगासन support your body, again come back, great, ये हमारे चौथे सेट अभी आधे हुए हैं, अभी हमें इसे कंप्लीट करना है, फिर से दूसरे सेट में आ जाएं। पूरे शरीर को एक समांतर रखिए। अष्टांग नमस्कार सूर्य नमस्कार का काफी अच्छा पोस्चर माना जाता है और मेन पोस्चर। इस पोजीशन में आपको अपनी ब्रीथ को होल्ड करनी है और थोड़ी देर इस अवस्था में बने ही रहना है। ज़्यादा
अपने डेली रूटीन में ऐड कर लें और रोज प्रैक्टिस जो हमें रेगुलर करनी है और 7 सेट तो रोज हमें इसे करना है। आई होप यू लाइक माय वीडियोस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड आल्सो कमेंट इन बिलो। थैंक यू।